कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही नहीं बहुत सारा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का काम जो होता है वो सही नहीं हो पाता। जैसे कि लेटरल काटना है, टूनियन काटना है, या कुछ भी काटने के लिए हम लोग के पास या तो फार्मूला होना चाहिए या तो कैलकुलेटर होना चाहिए। ये नहीं है अगर आपके पास, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो लेआउट होता है। तो आज हम उसी लेआउट के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो क्लास तक, मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कैसे आपको लेआउट मारना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल का आइकन हिट कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको लेआउट मारने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे इरेजर, एक स्केल चाहिए, एक डिवाइडर चाहिए। सो ये छोटा डाय के लिए इतना में आपका हो जाएगा काम, लेकिन अगर आपको बड़ा डाय का काम करना है, जैसे मान लीजिए आपको बड़ा डाया जैसे 16 इंच 18 इंच 20 इंच जो भी हो गया, अगर इसका लेआउट मारना है तो आपको एक बड़ा मेजरमेंट टेप 5 मीटर या 3 मीटर जो भी हो, एक स्केल चाहिए बड़ा में, और एक पेंसिल चौक चाहिए, जो भी है अपने हिसाब से वहाँ से आप कर सकते हैं। उतना स्पेस भी चाहिए आपको लेआउट मारने के लिए। तो मैं दो भाई एक का एक लेटरल टूनियन लेटर बोल रहा हूँ, तो दो भाई एक का आपको एक टूनियन सपोर्ट में लेआउट मार के दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ले लेना है, पूरा जितना का लाइन चाहिए उतना का आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। एक 90 डिग्री पे आपको सबसे पहले एक 90 डिग्री का एक बना लेना है डिग्री। सो ये रेक्टेंगल से बना सकते हैं इसी तरीके से। तो जैसे मान लीजिए हम लोग का एल्बो सेंटर होता है 76, तो सबसे पहले हम लोग एक 76 mm का लेंगे एक, और एक यहाँ से एल्बो बनाएंगे। तो ये एल्बो बनाने के लिए आपको ये 76 mm हो गया। अभी 76 का एल्बो बनाने के लिए आपका उसका ओडी होता है 30 mm, तो एक 30 mm का और हम लोग लेंगे यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया, तो एक हम लोग यहाँ से इसको मारेंगे, देखिए बड़ा हो करके इसको मारेंगे। ये हमारा दो इंच का एल्बो हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 76 mm हो गया हमारा। तो इसके बाद आपको जैसे मान लीजिए एक इंच का आपको मारना है, ये सेंटर के लिए है, तो यहाँ से 76 mm हम लोग लेगा, एक यहाँ पर लाइन मारेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग मिला देगा। ठीक है, इसको मिलाने के बाद हम लोग एक यहाँ पे 76 mm का 30 mm का एक होल मारेंगे, हम यहाँ पे एक राउंड फेस में सर्कल में ये मारेंगे। इसको मिला देंगे, को थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेंगे, एक यहाँ पे आपका ओडी होता है 1 इंच का 34,
तो 34 का 70 mm का एक और ले लेंगे यहाँ से हम लोग। सत्तर एम एम को यहाँ से रेडियस ले लेंगे। और 17 mm इधर हम लोग एक मार्किंग करेंगे। सेम ऐसा इधर भी रहेगा 17 17। इसको हम लोग मिला लेंगे, पूरा नहीं, इसको यहीं तक हम लोग मिलाएंगे। सिर्फ खाली टच करके छोड़ देना आपको, सिंपली इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला लेंगे। ये इधर नहीं रहेगा, अंदर की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग का इसका डिवाइड करना है। तो इसका 45 एंगल में हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा 45 एंगल का डिवाइड कर दिया हमने। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा मिला लेंगे। फिर इसमें भी हम लोग एक एक डिवाइड और लगाएंगे। ओके, इसको भी हम लोग मिला लेगा। सिंपली इसको भी हम लोग सेम वैसे ही मिला लेंगे। और ये लाइन जहाँ से कट हो रहा है यहाँ से हम लोग इसको नीचे मिलाएंगे। ओके, ये हम लोग नीचे मिला लिया। सेम यही काम इधर भी करना है हम लोग को। एक इसका रेडियस लगाना है हम लोग को 70 mm का। इसको ऐसा मिला देना है, थोड़ा लंबा रहेगा। इसका 45 करना है दोनों का। इसको हम लोग मिला लेगा। सेम ये जहाँ से कट हो रहा है इसको हम लोग ऐसा थोड़ा लंबा खींचेगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग ये राइट एंगल पकड़ेंगे, सॉरी डिवाइडर। ये जहाँ कट कर रहा है पहले 45 वाला मिलाएंगे हम लोग। एक ही रेडियस में लोग ऐसे एक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद के बड़ा वाला मारेंगे। ओके, सो इसको हम लोग यहाँ पे मैच करा देंगे। ये ऑलरेडी यहाँ तक रहेगा, इसको हम लोग यहाँ मैच करा देंगे और ये टॉप पे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो 16 सेंटर लाइन में मारना है तो इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो
तो ये लाइन भी आके ऐसा मैच करेगा, लेकिन ये लाइन भी आके ऐसा मैच करेगा, स्पेस नहीं बनेगा। इसके लिए मैं थोड़ा आपको सिंपली सिर्फ 8 सेंटर लाइन में ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने मारा है 16 सेंटर लाइन के लिए, लेकिन स्पेस नहीं हमारा बच रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये 8 सेंटर लाइन में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक 45 वाला एंगल का ये वाला लाइन का हमने मारा, दूसरा ये साइड वाला का इधर हमने रेडिएशन लिया, ठीक है। तो इसके बाद से सिंपली आप इसको यहाँ पे मिलाएंगे, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये आपका लेआउट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये रेडियस हमने मारा है 17 mm, ठीक है। सेम ये भी 17 mm का ही है, ये आपका मारा है 30 mm का, ओके। ये एल्बो हो गया 2 inch का, ये 2 inch का एल्बो हो गया, ठीक है। सो दोस्तों ये सिंपली ये बन गया। आपको सिर्फ यहाँ से ये मेज़रमेंट कर लेना है, ये मेज़रमेंट कर लेना है, ये कर लेना है, और ये तो ज़ीरो रहेगा ही रहेगा, ये आपका कटबैक हो जाएगा। सिंपली उतना ही आपको पाइप में मार्किंग करके जितना लेंथ चाहिए वहाँ से एक मेज़रमेंट करके ऐसा मार्किंग आप करके मार के आप लोग कटिंग कर सकते हैं, एकदम ज़ीरो ज़ीरो बैठता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ईमेल आईडी अपना डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और साथ में अपना एक फेसबुक पे मेरा पेज है पाइप फिटर के नाम से, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मैं वहाँ से भी जानकारी आपको दे सकता हूँ। तो ये आपको कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं और भी लाऊँगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो मेरा देख ही लिया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल का आइकन हिट कर दें। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।